अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में। देखिए इस तरह से कुछ दिखता है। मैंने पूरी यहाँ पे डायग्राम बना दी है। इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें 7 सेगमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक डेसिमल पॉइंट है, ये इसके इस तरह से 7 सेगमेंट है। तो 0 से लेकर 9 तक हम इसमें डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके यहाँ पर देखें 10 पिने हैं, 1 2 3 4 5, और 5 ये हैं, 10 है। ठीक है, इसमें 3 और 8। ठीक है, 3 पे आपने पॉजिटिव लगाना है या फिर 8 पे लगाना है, मर्जी है। जहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ से 1 इसका स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से 6 7 8 9 और 10। ठीक है, वैसे देखें मैंने पिन के भी नंबर लिखे हुए हैं। अगर आपने पॉजिटिव सप्लाई दे दी 8 वाले टर्मिनल पे, ठीक है, या फिर 3 पे दे दें या फिर 8 पे दे दें, ठीक है, किसी एक पे आपने पॉजिटिव दे देना है 5 वोल्ट का। अगर आप 5 वोल्ट दे देंगे एक पे, तो जो ये वाला पॉइंट है जेड वाला, ये इस डॉट का है। देखिए मैंने नंबर से मेंशन कर दिया, ABCD से मैंने मेंशन कर दिया है, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी हमने कनेक्ट कर दी, तो ये वाला हम टर्मिनल कनेक्ट नहीं करेंगे। इस तरह ए पे अगर हम नेगेटिव सप्लाई देंगे तो ये वाला सेगमेंट ऑन हो जाएगा, बी पे हम नेगेटिव सप्लाई देंगे तो ये वाला सेगमेंट, इस तरह से सी पे देंगे तो सी ये वाला सेगमेंट, तो इस तरह से ये एक एक करके सेगमेंट ऑन हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको सप्लाई दे के देखते हैं। मैंने यहाँ पर ब्रेड बोर्ड लिया हुआ है, ठीक है, तो इसके साथ ही मैं एक रजिस्टर लगा रहा हूँ, 1 किलो का मैं रजिस्टर लगा रहा हूँ, ठीक है, इसकी सप्लाई के लिए, ताकि ये ख़राब ना हो। और ये देखिए यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनको मैंने शॉर्ट कर दिया, मैं इनको पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई किसी एक तरफ दूँगा तो दोनों तरफ आ जाएंगे। ठीक है, सेगमेंट को इस तरह से यहाँ लगा देता हूँ। देखिए ये 7 सेगमेंट मैंने सबसे पहले यहाँ इस तरह से लगा दिया है। 8 वाले पिन पर मैंने यहाँ पर ये रजिस्टर लगा दिया है। अब हम इसको सप्लाई देंगे, ये पॉजिटिव मैं यहाँ लगा रहा हूँ और नेगेटिव में यहाँ लगा रहा हूँ, 5 वोल्ट सप्लाई में दूंगा। ठीक है, मैं इन वाले वायर्स को यूज़ नहीं करूँगा इस पर, क्योंकि अगर मैं इन वायर्स को यूज़ करूँगा तो इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा जमघट्टा बन जाएगा वायर्स का, तो इस वजह से मैंने ये कुछ पिनें बनाई हुई है इस तरह की, तो मैं इन्हें यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम ये जो डॉट पॉइंट है इसको ऑन करते हैं, तो इसका पिन है जेड, तो मैं नेगेटिव को जेड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ सबसे पहले। तो ये देखें सबसे पहले एक पॉइंट इसका ऑन हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे 1 नंबर बनाना है, ठीक है, तो 1 के लिए मुझे क्या करना है, बी और सी को मुझे नेगेटिव दे देना है, तो बी और सी को नेगेटिव दे देते हैं। तो ये वाला जो टर्मिनल है इसका बी है, ठीक है, और इसका जो नीचे वाला टर्मिनल है या मैंने सी दे दिया। तो देखिए ये 1 नंबर ऑन हो गया, आप देख सकते हैं ये 1 ऑन हो गया। अब अगर मुझे 2 चाहिए हो तो 2 के लिए मुझे क्या करना है, ए को, बी को, जी, ई और डी को ऑन करना है। ठीक है, तो मैं ये 1 वाले से यहाँ से हटा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने बी को ऑलरेडी किया हुआ है, अब हम ए को कर देंगे, तो ए को, ठीक है, ए और बी ऑन हो गए। अब हमें जी करना है, तो जी वाला टर्मिनल ये है, इस साइड पे कोने में जी भी ऑन हो गया। ई वाले टर्मिनल हमें ऑन करना है, तो ई वाले टर्मिनल इस कोने में है, इस कोने में करना है ये ई। अब हमें डी टर्मिनल ऑन करना है, तो देखिए फ्रेंड्स 2 नंबर भी ऑन हो गया है। अगर हमें अभी इसको 3 बनाना है, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, फिर 3 के लिए हमें ए, बी, सी और डी को करना है। ये सी वाले टर्मिनल करना है, तो सी कहाँ पर, इधर, ये देखें 3 ऑन हो गया। आप पूरे 9 डिजिट्स को ऑन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर हम 0 इसमें ऑन करें, तो 0 के लिए हमें क्या करना है कि तो ये देखें 0 ऑन हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से 7 सेगमेंट डिस्प्ले को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।